Hey guys, welcome back to Mandhan Academy. This is the first lecture of MCQ series. So let's begin. Screen पे आपको question दिख रहा है. Pause the video and try to solve yourself. This question are helpful for Maharashtra CET as well as board exam. So let's begin. The negation of statement is given by he is rich and happy. अब देखो negation में क्या होता है. दो statement दे रखी है. वो rich है and वो happy है. Now let me tell you one thing, and or के साथ में negation के कुछ rules होते हैं. अब वो पता हो कहाँ मिलेंगे. सारा का सारा revision lecture, mathematical logic का 1 hour complete revision lecture and 1 hour complete practice question कहाँ मिलेंगे. नीचे description में दे रखे हैं, please आप checkout करें. अब हम सिर्फ MCQ solve करेंगे. So let's begin. Revision lecture description में है, please आप checkout कर लें. Now ज्यादातर बच्चों ने तो देख रखा है. सो लेट्स बिगिन. एंड हो जाता है और. व्हेन वी टेक नेगेशन ना, एंड हो जाता है और. रिच हो जाएगा नॉट रिच, ठीक है. हैप्पी हो जाएगा नॉट हैप्पी. तो कौन सा रहेगा. आइदर और तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी चले गया. ही इज नॉट रिच बट हैप्पी, अरे कैसे हो जाएगा, वो भी नहीं है. ही इज रिच, वो भी नहीं चलेगा. ही इज नॉट रिच एंड नॉट हैप्पी, गलत जा रहा है पूरा. निगेशन में क्या होता है, देखो निगेशन आना चाहिए. ही इज नॉट रिच और ही इज नॉट रिच और नॉट हैप्पी. तो फर्स्ट वाला नहीं है, सेकेंड वाला नहीं है, थर्ड वाला नहीं है. आइदर ही इज नॉट रिच और ही इज नॉट हैप्पी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. डी में ही दिख रहा आ रहा है. अच्छा, और के लिए दूसरा नाम क्या है, मैंने बताया था और इज ऑल्सो ट्रीटेड एज आइदर और, ठीक है. अब ये मैंने किसमें बताया था, मैंने लॉजिक पे 1 घंटे का बेसिक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने कवर किया है. सो एबीसी तो वैसे भी नहीं जा रहे हैं. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द निगेशन ऑफ दिस थिंग. प्लीज आप क्वेश्चन को ट्राई करें, देन आई विल शो यू द सॉल्यूशन. इट इज रियली अमेजिंग वन. सबसे बेहतरीन सवाल है ये. सो देखिए इसका निगेशन लेना है हमको. देखिए काफी सिंपल सवाल है, देर इज नथिंग मच टू डू. पहला है पी एंड क्यू इंप्लाइज निगेशन पी और क्यू. When you take negation of this thing, एक रूल है. Negation P implies Q का एक रूल है. वो रूल है P and negation Q. ठीक है, ये हमने बेसिक्स में देखा है. ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली ज्वाइनिंग किया है, डिस्क्रिप्शन में लॉजिक के लिंक है, जस्ट डू चेकआउट इट. नाउ negation P implies Q क्या होता है. P पहला एज इट इज एंड निगेशन क्यू सेकेंड वाला, मतलब इंप्लीकेशन का निगेशन बन जाता है एंड निगेशन. ठीक है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लेते हैं इसका निगेशन क्या हो जाएगा. पहला वाला एज इट इज, ये एंड निगेशन दूसरा वाला. आगे देखते हैं, ये वैसा का वैसा, ये एज इट इज. निगेशन निगेशन पी पी निगेशन ऑफ और एंड निगेशन ऑफ आर निगेशन आर. ठीक है, क्वेश्चन हो चुका है खत्म. लेट सी द ऑप्शंस. ऑप्शंस क्या क्या है देखिए. पी एंड क्यू, आई थिंक पी एंड क्यू है बी में तथा सी में. बी एंड सी आर शोइंग पी एंड क्यू. अगला है पी एंड निगेशन आर. पी एंड निगेशन आर नहीं नहीं, बीसी में नहीं आ रहा है. देखो P एंड निगेशन R सब में है. एक मिनट, पहले A से चेकआउट करते हैं. P और Q मतलब A नहीं है. B है P एंड Q, P एंड Q मिल गया. उसके बाद अगेन एंड, पर उसमें तो और है तो B भी गया. C चेकआउट करो, C में है P एंड Q. ठीक है, P एंड Q आ गया. उसके बाद एंड, P एंड निगेशन R. सो ऑप्शन C इज द करेक्ट वन. D देखो, D है P और Q, तो D भी चले गया. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन. सो इट वॉज अ रियली गुड क्वेश्चन, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट.
देखिए अगले सवाल में ट्रूथ टेबल निकालना है, ठीक है, विदाउट ट्रूथ टेबल भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई थिंक कि ट्रूथ टेबल बना लेना बेटर रहेगा. सो द क्वेश्चन इज पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू, उन्होंने कहा है क्या ये टॉटोलॉजी है, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है. सुनिए, टॉटोलॉजी का मतलब होता है ऑल ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन ऑल फॉल्स, कॉन्टिंजेंसी ट्रू एंड फॉल मिक्स. नाउ सबसे पहले आप इनपुट चेक कर लो, पी है क्यू है आर है क्या नहीं है. दूसरी बात, निगेशन पी है हाँ है बना लो, निगेशन क्यू है हाँ है बना लो. अब शुरू करते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, डबल ट्रू डबल फॉल्स. देखिए ट्रूथ टेबल पे ऑलरेडी हमने बेसिक्स में ही कवरेज लिया था, इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ एमसीक्यू देखेंगे. तो अभी तक आपने ट्रूथ टेबल कवर नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जस्ट डू चेकआउट. अब आगे काम की बात, Q का उल्टा क्या आता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. P का उल्टा क्या आता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. ठीक है, P एंड निगेशन Q, इधर है P इधर है निगेशन Q, एंड में ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू, एंड में ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू, एंड में ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू, बाकी सब फॉल्स. ठीक है, ये बन गया निगेशन पी एंड क्यू. किधर है निगेशन पी एंड क्यू, एंड में ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू, एंड में ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू, एंड में ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू, बाकी सारे फॉल्स. चेक कर लो ना, एंड में ट्रू 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 ट्रू, बाकी सारे फॉल्स. अब इन दोनों का एंड करना है, सो दिस आइटम एंड दिस आइटम. तो इसको नंबर दे देते हैं वन, इसको नंबर देते हैं टू. सो वन इज मेकिंग एंड विथ टू. True true becomes true. True true becomes what? True true becomes true. Otherwise false. True true becomes true. Otherwise false. So ये क्या आ जाएगा बताओ? सारे true हैं तो tautology, सारे false हैं तो contradiction, true false mix हैं तो contingency. So this is over for now. हमारा answer है option number D. So this is a really good question. Please have a note of it. बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव. तो कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या क्या होता है, देखिए जो हमारा इनपुट रहेगा वो रहेगा P implies Q. कन्वर्स में दोनों में देखो एक है इनवर्स, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव. इनवर्स में दोनों साइड निगेशन लगता है, कन्वर्स में प्लेस चेंज होती है, और कॉन्ट्रापॉजिटिव में पेस चेंज करके निगेशन लगता है. ठीक है, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, कन्वर्स में प्लेस चेंज, इनवर्स में पुट निगेशन बोथ साइड, कॉन्ट्रापॉजिटिव में दोनों की प्लेस चेंज होगी इनपुट में और उसको निगेशन लगेगा. इतना आप नोट डाउन करते हैं, फिर क्वेश्चंस बताता हूं आपको. तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये रहा, इफ He is man, then he is brave. Got it? If he is man, then he is brave. हम कॉन्ट्रापॉजिटिव मैं बना के देता हूं, कन्वर्स इनवर्स आप बना लेना. तो कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे बनेगा बताए, इफ के बाद जो आता है ये पी होता है, देन के बाद जो आता है वो क्यू होता है. सो कॉन्ट्रापॉजिटिव बनाने में ही इज ब्रेव इधर आ जाएगा नॉट के साथ, ही इज नॉट ब्रेव. ठीक है, इस तरफ क्या आ जाएगा, ही इज नॉट मैन, इधर आ जाएगा इफ इश, इधर आ जाएगा देन डिश. सो बस खत्म हो गया, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव. अच्छा एक सबसे खास चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ड्यूअल नाम का एक कंसेप्ट है. ड्यूअल में जो निगेशन है ना वो नो चेंज होता है,
इतना आप ख्याल रखें। फिलहाल मैं उस पर एमसीक्यू नहीं ले रहा हूँ, हमारा इंटेंशन था कि आपके कंसेप्ट ब्रशअप हो जाए। ये तीन टॉपिक मैंने लिए, पहला निगेशन लिया, दूसरा ट्रूथ टेबल लिया, तीसरा कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिया, चौथा मैंने ड्यूअल बता दिया कि ड्यूअल में निगेशन में चेंज नहीं आता है। अब एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, तब तक के लिए प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। और हाँ, ये निकालना भी है ना आपको, कन्वर्स और इनवर्स। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व कन्वर्स एंड इनवर्स फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो ड्यूअल का है, ड्यूअल ऑफ पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन आर एंड पी। अब इसका ड्यूअल बनाना है आपको। सो ड्यूअल क्या आएगा बताए, पी एज इट इज, निगेशन क्यू एज इट इज, निगेशन आर एज इट इज, एंड हो जाता है और, एंड हो जाता है और हो जाता है एंड हो जाता है और, दैट्स इट। ड्यूअल में एक ही चीज होती है, एंड का और का एंड, दैट्स इट। ठीक है, अब आई थिंक दिस इज ओवर फॉर नाउ, ड्यूअल हो चुका है, नोट डाउन कर लो इसको। सर्किट के बारे में देखते हैं, स्विचिंग सर्किट्स। क्वेश्चन आपके दे रखा है सामने, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस सर्किट। ना एक चीज देखो, सिंबॉलिक फॉर्म बनाते हैं, जो सर्किट साथ में रहते हैं वो एंड डिनोट करते हैं और जो ऊपर नीचे रहते हैं वो और डिनोट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है ये वाला फ्लोर इस वाला फ्लोर के साथ और बना रहा है, तो ऐसा आ जाएगा पहले। तो आगे देखते हैं, नीचे वाले फ्लोर वाले लोग S3 एंड S2 क्या कर रहे हैं, साथ में है, सीरीज में है, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में दो चीजें हैं, एक तो ये दोनों पैरेलल और ये सीरीज। सो S3 डैश यहां पे है, S3 डैश इज मेकिंग सीरीज, मतलब एंड किसके साथ, इन दोनों के साथ। ये दोनों आइटम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं। सो S1 डैश इज मेकिंग और विथ S2 डैश। देखिए बुक्स में एक और तरीका है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप कि निगेशन पी और निगेशन क्यू इज मेकिंग एंड विद निगेशन आर, इट इज क्यू एंड, ये 3 है ना, S3 एंड S2, दिस इज आर एंड पी, पी क्यू आर ना, पी क्यू आर। ठीक है, हाँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब एक चीज मैं बता दूं, स्विच 1 का मतलब P है, स्विच 2 का मतलब Q है, स्विच 3 का मतलब R है। जो डैश है ना, डैश डिनोट्स निगेशन, सो इट इज निगेशन P, निगेशन Q एंड सो ऑन। तो बस रिवीजन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने MCQ इसके लिए शो नहीं किया, बट जनरली ऐसा आता है कि इसका सिम्बॉलिक फॉर्म कैसा आएगा, या फिर सिम्बॉल से सर्किट भी आ सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर आपको कैसे पूछता है। सो ऑलमोस्ट 85% चैप्टर हमने कवर कर लिया है, मैं और भी कुछ क्वेश्चन लाते जाऊंगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि 100 लाइक्स इस वीडियो पे मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही 100 लाइक कंप्लीट होते हैं हम सेकेंड लेक्चर अपलोड करेंगे, विच इज ऑफ मैट्रेसेस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, मेहनत करते रहिए, आई होप आप बहुत प्रोग्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।